हेलो फ्रेंड्स, रस्तोगीज कॉर्नर में आपका स्वागत है। और इस जन्माष्टमी के अवसर पर या कृष्ण जी के बर्थडे पर हम बनाने जा रहे हैं गोले मींग की पंजीरी, या गोले मींग का गोंद, या ड्राई फ्रूट्स पंजीरी, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। हम जन्माष्टमी का प्रसाद के लिए हमने लिया है एक गोला ड्राई कोकोनट, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है कद्दूकस में। मैंने लिया है ईडेबल गम, गोंद या डींग, अप्रॉक्स 80 ग्राम है। लिया है मैंने मगज यानी वाटरमेलन सीड्स, आप मस्कमेलन सीड्स ले सकते हैं, जो भी आपको इजीली मिल जाए। शुगर लिया है 200 ग्राम, बादाम, काजू, आप शुगर थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये एकदम परफेक्ट मीठा है, हल्का मीठा है, आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अब हम जो ईडेबल गम है उसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के टाइम हम इसे मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो जल जाएगा ये। देखिए, इसके रोस्ट होने की पहचान होती है, ट्रांसपेरेंट होता है। जब ये वाइट हो जाए, आप देख सकते हैं, तो मतलब ये रोस्ट हो गया है। इसे मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट के आसपास लगेंगे, 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं। बस से हल्का हल्का हिलाते हुए इस तरह से इसे भून लेंगे हम। अगर कोई कच्चा रह गया है, पॉप नहीं हुआ है, उसको अलग से इस तरह से हम अलट पलट के भून लेंगे, तैयार कर लेंगे उसको। अब हम इसी कढ़ाई को यूज़ करते हुए अपने वाटरमेलन सीड्स जो हैं, मगज है, उसको रोस्ट कर लेंगे। इसको भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। देखिए, ये पॉप हो रहा है, ये उछल रहा है, ये भुनने लगा है। कवर कर देंगे इसको ताकि ये बाहर ना गिरे। अब हम इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, आप चाहें पिस्ता ऐड कर सकते हैं इसमें, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करें, वॉलनट इसमें ऐड कर सकते हैं, वॉलनट भी बहुत अच्छे लगते हैं इसके अंदर। इसे हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे हम इसका। अब इसे एक प्लेट में निकालने के बाद कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच देसी घी। देसी घी से क्या होगा, हमारी पंजीरी थोड़ी सी खाने में सॉफ्ट और ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। अब इसमें हम डाल देंगे ईडेबल गम, इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे घी के अंदर, या फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करके भी आप इसे निकाल सकते हैं, या कम घी में भी इसको इस तरह से रोस्ट कर सकते हैं। अब बाकी बचे हुए घी में हम ऐड कर देंगे ड्राई कोकोनट, जो हमने घिस के रखा हुआ था, ग्रेट करके रखा हुआ था। आप चाहें तो गोले को यानी कोकोनट को ग्राइंडर में, मिक्सर में पीस भी सकते हैं। अगर आप किसी को होता है कि उससे गोला नहीं चबाया जाता है, ड्राई फ्रूट नहीं चबाए जाते, तो आप इनको ग्राइंड करके भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ गम को ग्राइंड करूंगी। देखिए, सभी चीज़ों को हमने एक साथ मिला लिया है। अब इसमें डालेंगे चीनी, मैंने लिया 200 ग्राम के आसपास चीनी है। 2 चम्मच इसमें मैंने डाला है पानी। इसे हम लो फ्लेम पर चीनी मेल्ट होने तक मिक्स करेंगे। जब शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, हम फ्लेम को मीडियम टू हाई फ्लेम कर देंगे इसको। देखिए, चीनी अच्छे से घुल गई है, इसमें हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं। हमें इसे इतना पकाना है कि एक तार की चाशनी बन जाए। हमें इसके लिए एक तार वाली चाशनी चाहिए। हमारी चाशनी अभी रेडी है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और फटाफट से इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स किए हैं, गोला, गोंद, काजू, बादाम, सबको मिक्स कर लेंगे। और मैंने एक टिन में, सिल्वर टिन में घी लगा के रखा है, ग्रीस करके रखा है उसे घी से, उसमें इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह से ठंडा कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल रहेगा, अलग अलग रहेगा खिला हुआ। और चाहे तो फटाफट से इसको जमा सकते हैं बर्फ़ी के रूप में। मैंने इसे सेट किया है, मुझे इसकी बर्फ़ी बनानी है। इसे हम अच्छे से सेट करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद
हम इसे टैप करके निकाल लेंगे या फिर इसे इसी में कट कर लेंगे, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। देखिए कितने अच्छे से सेट हुई है ये। इसे अब हम स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। हमारी जन्माष्टमी के लिए प्रसाद जो है तैयार हो गया है। आप इस जन्माष्टमी पे इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये जन्माष्टमी के प्रसाद की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।